हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था ओवरव्यू ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें हम लोगों ने देखा था भाई फोटोसिंथेसिस में मेनली दो स्टेप होता है। एक होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी फॉर्मेशन फेज, और डार्क रिएक्शन को बोल सकते हैं फूड फॉर्मेशन फेज। एनर्जी फॉर्मेशन फेज में यानी लाइट रिएक्शन में दो तरह के सिस्टम चलते हैं। एक होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और दूसरा होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। लाइट रिएक्शन में हम लोगों ने देखा था भाई पिछले क्लास में कि भाई कैसे वाटर का फोटोलिसिस होता है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, वाटर का फोटोलिसिस होता है ग्रैनम ल्यूमेन के अंदर, और लाइट रिएक्शन जो होता है ग्रैनम थैलोकोइड के मेम्ब्रेन पे, और वाटर का फोटोलिसिस होता है और रिलीज हो जाता है O2, और बदले में हमको मिलता है क्या मिलता है ATP और NADPH। क्या मिलता है भाई, ATP और NADPH मिलता है ना, इसको बोलते हैं एसिमिलेट्रिक पावर। उसके बाद इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है स्ट्रोमा के अंदर। कहां पे, स्ट्रोमा के अंदर इस ATP और NADPH का यूज किया जाता है और चलता है डार्क रिएक्शन या बायोसिंथेटिक फेज। क्या चलता है, डार्क रिएक्शन या बायोसिंथेटिक फेज, जिसको बोलते हैं केल्विन साइकिल, क्योंकि सबसे पहले केल्विन ने इसके बारे में बताया था। यहाँ पे CO2 का रिडक्शन होता है और कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, इसको CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कन्वर्ट कर दिया जाता है भाई, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और फिर से ATP से यहाँ पे बन जाता है ADP और बन जाता है NADPH बन जाता है, और फिर से ये साइकिल चलता रहता है। ये हुआ लाइट रिएक्शन और ये हुआ डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ पे चलता है, थैलेकोइड के मेम्ब्रेन पे चलता है, और डार्क रिएक्शन कहाँ पे चलता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में चलता है। डार्क रिएक्शन कहाँ चलता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में चलता है। इसी डार्क रिएक्शन को बोलते हैं केल्विन साइकिल या C3 साइकिल या बायोसिंथेटिक फेज। इसका मतलब आप समझ गए, फोटोसिंथेसिस में दो तरह के स्टेप्स होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को बोल सकते हैं एनर्जी फॉर्मेशन फेज और डार्क रिएक्शन को बोल सकते हैं फूड फॉर्मेशन फेज। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था भाई रेड ड्रॉप इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट, क्या बताया था, अगर प्लांट पे सिर्फ 680 नैनोमीटर से अधिक वेवलेंथ वाले लाइट को एक्सपोज कराते हैं तो मेरी प्रोडक्टिविटी घट गई थी, प्लांट की प्रोडक्टिविटी घट गई थी, और अगर प्लांट पे 680 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ वाले लाइट को एक्सपोज कराते हैं तो प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी। तो हमको पता चला था भाई कुछ तो है प्लांट में, जिसमें कुछ तो है प्लांट में जो क्या होता है, एक सिस्टम काम करता होगा 680 नैनोमीटर से अधिक वेवलेंथ वाले लाइट पे, और एक सिस्टम काम करता होगा 680 नैनोमीटर से कम या 680 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट पे काम करता होगा। ठीक है, आपको पता है लाइट रिएक्शन में मेनली दो तरह का दो स्टेप में हम लोग बांट सकते हैं। एक होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और दूसरा होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फिर से एक बार, क्या होता है भाई, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एक्टिवेट होता है इस पिगमेंट, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ये एक्टिवेट होता है पीक वैल्यू ऑफ लाइट जब रहेगा 700 नैनोमीटर, और नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन एक्टिवेट होता है कब, जब पीक वैल्यू ऑफ लाइट रहेगा 680 नैनोमीटर। ठीक है, आइए थोड़ा सा कुछ बात को समझते हैं। अब बताए फोटो सिस्टम बनाने के लिए दो तरह के रिएक्शन सेंटर होते हैं। एक वैसे रिएक्शन सेंटर जो एक्टिवेट होते हैं, एक ऐसे रिएक्शन सेंटर जो एक्टिवेट होते हैं जब इसको वेवलेंथ मिलेगा 680 नैनोमीटर। वेवलेंथ ऑफ लाइट मिलेगा कितना, 680 नैनोमीटर। और दूसरा रिएक्शन होता है जो एक्टिवेट होता है जब इसको वेवलेंथ मिलेगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट मिलेगा कितना, 700 नैनोमीटर। लेकिन बात आता है सर, सोलर एनर्जी में, सोलर रेडिएशन में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ
680 नैनोमीटर वाला वेवलेंथ है या फिर सिर्फ 700 नैनोमीटर वाला ही वेवलेंथ है। ठीक है, तो हम क्या किए, लाइट के एब्जॉर्बिंग पावर को, कैप्चरिंग पावर को बढ़ाने के लिए हम लोग बनाए लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। क्या बनाया, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। हालांकि हम लोग नहीं बनाया, प्लांट ने इसको बनाया ताकि वो अधिक से अधिक लाइट को एब्जॉर्ब कर सके। क्या बनाया, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। जैसे हमारे छत पे होता है ना एंटीना, ये एंटीना अधिक से अधिक सोलर अधिक से अधिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और किसी एक पॉइंट पे क्या कर देता है, इसको फोकस कर देता है, किसी एक पॉइंट पे फोकस कर देता है। वैसे ही प्लांट क्या किया, प्लांट मेनली किस वेवलेंथ ऑफ लाइट पे काम करता है, तो या तो ये 680 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ पे काम करता है या 700 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ पे, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे वर्क करता है। ठीक है, लेकिन एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इस रिएक्शन सेंटर के चारों तरफ, इस रिएक्शन सेंटर के चारों तरफ, रिएक्शन सेंटर के चारों तरफ क्या होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्या होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को एंटीना मॉलिक्यूल भी कहते हैं। एंटीना मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये लाइट के एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को बढ़ा दिया। इसी तरह मान लेते हैं ये पिगमेंट सिस्टम 700 वाला है, जिसके चारों तरफ क्या रहता है, जिसके चारों तरफ क्या होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीना मॉलिक्यूल रहता है। करता क्या है ये, अगर सोलर एनर्जी आएगा, अगर सोलर एनर्जी आएगा यानी फोटोन ऑफ लाइट आएगा जिसका वेवलेंथ 680 नैनोमीटर होगा, तो भाई उसमें डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस होगा। कैसे, क्योंकि भाई इसके पास 680 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट वाला या वेवलेंथ ऑफ फोटोन, फोटोन का वेवलेंथ 680 नैनोमीटर है, ये डायरेक्ट रिएक्शन सेंटर P680 पे चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, और जब उसका एनर्जी 700 होगा, क्योंकि आपको पता है E=SC/λ, इसका मतलब लेमडा बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा, लेमडा घटेगा तो एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, इसका मतलब जब P680 एक्टिवेट होगा तो इस बात की 100% गारंटी है कि P700 भी एक्टिवेट होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो फोटोन ऑफ लाइट है, जो इलेक्ट्रॉन इसको एक्साइट करता है, उसका एनर्जी धीरे धीरे कम हो जाएगा और वो 700 नैनोमीटर यानी वेवलेंथ बढ़ जाएगा तो एनर्जी कम हो जाएगा। इसका मतलब अगर फोटो सिस्टम जिसका पीक वैल्यू 680 नैनोमीटर है, अगर ये एक्टिवेट होता है तो दूसरा रिएक्शन सेंटर जिसका पीक वैल्यू ऑफ लाइट कितना है, 700 है, ये भी एक्टिवेट होगा। ठीक है, एंटीना मॉलिक्यूल करते क्या है या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स करते क्या है, अब बताइए, अगर 6 नैनोमीटर वाला लाइट आता है, डायरेक्ट रिएक्शन सेंटर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। रिएक्शन सेंटर किसका बना होता है, रिएक्शन सेंटर किसका बना होता है, रिएक्शन सेंटर बना होता है सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए का। किसका, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए का, ऐसा एनसीईआरटी बोलता है। नेक्स्ट, तो हाँ, अगर प्लांट पे क्या होगा कि 620 नैनोमीटर वाले लाइट आएंगे, 620 नैनोमीटर वाले लाइट आएंगे या फिर वैसा फोटोन जिसका वेवलेंथ 620 नैनोमीटर होगा, वो अगर आएगा और डायरेक्ट रिएक्शन सेंटर पे जाएगा, या तो रिएक्शन सेंटर जिसका पीक वैल्यू कितना है 680 नैनोमीटर है, या वो रिएक्शन सेंटर जिसका पीक वैल्यू 700 है, अगर डायरेक्ट इस पे चला जाएगा 620 नैनोमीटर वाला फोटोन, तो क्या होगा, देखो ना, इसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है क्योंकि वेवलेंथ कम है, एनर्जी ज्यादा है, डायरेक्ट रिएक्शन सेंटर के पास जाएगा, तो हो सकता है मेरे रिएक्शन सेंटर को या एसेंशियल मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, उसका सोलराइजेशन करते हैं, है कि नहीं। तो इस चीज से, सोलराइजेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए और एब्जॉर्प्शन के कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एंटीना मॉलिक्यूल बनाए गए। ये एंटीना मॉलिक्यूल हो सकता है क्लोरोफिल बी का बना हो, कैरोटीनॉइड्स का या कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट का बना हो, या हो सकता है फाइकोबिलिन्स पिगमेंट का बना हो। ये सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अच्छा, ये सब फिगर जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 211 फिगर नंबर 13.4 पे दिया गया है। ठीक है, तो आप उसको देखिएगा।
हाँ तो होता क्या है, मान लेते हैं अगर 620 नैनोमीटर वाला अगर फोटोन इस पे जा रहा है ना, 620 नैनोमीटर वाला फोटोन जा रहा है तो रिएक्शन सेंटर के पास डायरेक्ट नहीं जाएगा, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास जाएगा। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, इसको एब्जॉर्ब करते हैं और इसका इंडक्टिव रेजोनेंस करते हैं, यानी फोटोन ऑफ लाइट को पहले यहाँ भेजेंगे, फिर यहाँ भेजेंगे, फिर यहाँ भेजेंगे, फिर यहाँ भेजेंगे, और जैसे ही इसका वेव लेंथ 680 नैनोमीटर हो जाएगा तुरंत रिएक्शन सेंटर इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और इस पर फिर एक्शन हो जाएगा। इसका मतलब ये लाइट फिर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट क्या होता है भाई, यहां से फोटो सिस्टम चलने लगेगा। नेक्स्ट अगर प्लांट पे, या अगर प्लांट पे एक्सपोज होता है कितना भाई, 690 नैनोमीटर वाला लाइट, ठीक है, तब क्या होगा, 690 नैनोमीटर वाला लाइट, इसका मतलब 680 से ज्यादा है 690, बिल्कुल। तो अगर वेवलेंथ है इसका ज्यादा और इसका वेवलेंथ है कम, तो इसका एनर्जी हो जाएगा ज्यादा, वेवलेंथ ज्यादा तो एनर्जी हो जाएगा इसका कम। इसका मतलब प्लांट पे अगर 680 नैनोमीटर से ज्यादा वेवलेंथ ऑफ लाइट को एक्सपोज करते हैं, तो 680 नैनोमीटर से ज्यादा वेवलेंथ ऑफ लाइट को एक्सपोज करते हैं तो 680 नैनोमीटर वाला रिएक्शन सेंटर एक्टिवेट नहीं। लेकिन अगर 690 वाला अगर एक्सपोज करते हैं तो पहले ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, दूसरे पिगमेंट मॉलिक्यूल, दूसरे एंटीना मॉलिक्यूल के पास भेजेगा, जैसे ही इसका पीक वैल्यू या वेवलेंथ ऑफ लाइट हो जाएगा कितना 700, तुरंत इसको एब्जॉर्ब कर लेगा रिएक्शन सेंटर। ठीक है, आपको पता है सबसे पहले कौन सा रिएक्शन सेंटर ढूंढा गया था, सबसे पहले P700 वाला रिएक्शन सेंटर को डिस्कवर किया गया था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है फोटो सिस्टम फर्स्ट। क्या रख दिया गया है, फोटो सिस्टम फर्स्ट। फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट कितने पे एक्टिवेट होता है, तो पीक वैल्यू ऑफ लाइट जिसका वेवलेंथ कितना होना चाहिए, 700 नैनोमीटर होना चाहिए, तब ये एक्टिवेट होगा। ठीक है, क्योंकि इसका डिस्कवरी सबसे पहले हुआ था इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट। इसके बाद हमको पता चला कि भाई प्लांट में एक ऐसा भी फोटो सिस्टम है या एक ऐसा भी रिएक्शन सेंटर है जिसका वेवलेंथ ऑफ लाइट कितना है, 680 नैनोमीटर, कितना है 680 नैनोमीटर है, तो 680 नैनोमीटर पे चलता है फोटो सिस्टम सेकंड। क्या चलता है, फोटो सिस्टम सेकंड। आपको एक बात पता है, जब फोटो सिस्टम सेकंड चलेगा तो गारंटी है कि फोटो सिस्टम फर्स्ट भी चलेगा। क्यों, क्योंकि फोटो सिस्टम सेकंड को एक्टिवेट करने के लिए पीक वैल्यू ऑफ लाइट 680 नैनोमीटर चाहिए, जबकि फोटो सिस्टम फर्स्ट को एक्टिवेट करने के लिए पीक वैल्यू ऑफ लाइट 700 नैनोमीटर चाहिए। यानी वैसा इलेक्ट्रॉन जो एक्टिवेट हुआ था 680 नैनोमीटर से, वो अगर उसका एनर्जी थोड़ा सा लॉस होगा, वेवलेंथ थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो वो P700 को भी जाके एक्टिवेट कर देगा। इसीलिए तो पहले चलता है पीएस सेकेंड और उसके बाद क्या चलता है, पीएस फर्स्ट। क्यों चलता है भाई ये ऐसा, इसलिए चलता है, ऐसा इसलिए चलता है क्योंकि इसका पीक वैल्यू ऑफ लाइट 680 नैनोमीटर यानी एनर्जी ज्यादा है, और इसका पीक वैल्यू ऑफ लाइट 700 नैनोमीटर यानी एनर्जी कम है। इसका मतलब ये एक्टिवेट होगा तो गारंटी है कि ये भी एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब पीएस सेकेंड एक्टिवेट होगा तो गारंटी है कि पीएस फर्स्ट भी एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन पीएस फर्स्ट एक्टिवेट होगा तो इस बात की 100% गारंटी है कि पीएस सेकंड एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि इसको एक्टिवेट होने के लिए एनर्जी कम चाहिए और इसको एक्टिवेट होने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। आया समझ में? तो भाई वैसा पिगमेंट सिस्टम जो 700 नैनोमीटर पे काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट, और वैसा रिएक्शन सेंटर जो 680 नैनोमीटर ऑफ लाइट पे वर्क करता है उसको हम लोग बोलते हैं पीएस सेकंड। क्या बोलते हैं भाई, पीएस सेकंड। आया समझ में? ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स समझ रहा है, मेनली फोटो सिस्टम दो चीज से मिलकर बना हुआ है, एक तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और दूसरा रिएक्शन सेंटर। किससे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और दूसरा रिएक्शन सेंटर। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का क्या फंक्शन है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का फंक्शन है कि ये लाइट के एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को बढ़ा देता है, रिएक्शन सेंटर के एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को बढ़ा देता है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को ये एब्जॉर्ब कर सकता है, उसका वेवलेंथ धीरे धीरे कम करता है और रिएक्शन सेंटर के पास भेजता है। ये हाई इंसिडेंट हाई एनर्जी इंसिडेंट ऑफ फोटोन से बचाता है, ये हाई एनर्जी वाले लाइट से, सॉरी हाँ बिल्कुल, हाई एनर्जी वाले लाइट से प्रोटेक्ट करता है, किसको, रिएक्शन सेंटर को प्रोटेक्ट करता है। हो सकता है भाई कि रिएक्शन सेंटर
680 नैनोमीटर हो और यहाँ पे अगर 320 नैनोमीटर वाला लाइट आएगा तो क्या होगा, डायरेक्ट वेवलेंथ बहुत कम है यानी एनर्जी बहुत ज्यादा होगा। अगर डायरेक्ट रेडिएशन सेंटर पे जाएगा तो हो सकता है इसको डिस्ट्रॉय कर दे, सोलराइज कर दे, हो सकता है कर ही देगा। इसे प्रोटेक्ट करने के लिए लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे फोटो सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? फोटो सिस्टम। तो दो तरह का फोटो सिस्टम होता है, फोटो सिस्टम दो तरह के फोटो सिस्टम होते हैं मेनली। कौन कौन सा फोटो सिस्टम? वैसा फोटो सिस्टम जो पीक वैल्यू ऑफ 680 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ पे काम करता है, और एक वैसा फोटो सिस्टम जो पीक वैल्यू ऑफ लाइट 700 नैनोमीटर पे वर्क करता है। पीक वैल्यू ऑफ लाइट 700 नैनोमीटर पे वर्क करता है। वैसा फोटो सिस्टम जो पीक वैल्यू ऑफ लाइट 680 नैनोमीटर पे वर्क करता है, इसके लिए इसको बोलते हैं फोटो सिस्टम सेकंड। और वैसा वेवलेंथ वैसा रिएक्शन सेंटर जो पीक वैल्यू ऑफ 700 नैनोमीटर पे वर्क करता है उसको बोलते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट। क्या बोलते हैं? फोटो सिस्टम फर्स्ट, और इसको बोलते हैं फोटो सिस्टम सेकंड। अब बात आता है फोटो सिस्टम फर्स्ट कहां पे चलता है और फोटो सिस्टम सेकंड कहां पे चलता है। पढ़ क्या रहे आपको पता है? हम लोग पढ़ रहे हैं लाइट रिएक्शन। क्या पढ़ रहे हैं? लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन में दो तरह का फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है, एक होता है फोटो सिस्टम सेकंड और दूसरा होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में दो तरह का फोटो सिस्टम होता है, एक होता है फोटो सिस्टम सेकंड और दूसरा होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट। ठीक है, अब बात आता है फोटो सिस्टम सेकेंड कहां पे चलेगा और फोटो सिस्टम फर्स्ट कहां पे चलेगा। तो सबसे पहले आप याद कीजिए लाइट रिएक्शन कहां पे चलेगा। लाइट रिएक्शन चलता है थैलेकोइड मेम्ब्रेन में। कहां पे चलता है? थैलेकोइड मेम्ब्रेन में चलता है। ठीक है, तो ये पीएस सेकेंड कहां पे चलेगा, फोटो सिस्टम सेकेंड कहां पे चलेगा, थैलेकोइड मेम्ब्रेन पे चलेगा। फोटो सिस्टम फर्स्ट कहां पे चलेगा, थैलेकोइड मेम्ब्रेन पे चलेगा। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन थैलेकोइड मेम्ब्रेन पे चलता है, तो पीएस सेकंड और पीएस फर्स्ट भी कहां पे चलेगा, थैलेकोइड मेम्ब्रेन पे चलेगा। अब बात आता है थैलेकोइड मेम्ब्रेन में कहां पे चलेगा, थैलेकोइड मेम्ब्रेन में कहां पे चलेगा। थोड़ी देर में देखते हैं कि थैलेकोइड मेम्ब्रेन में कहां पे चलेगा। उसके पहले ये जो फोटो सिस्टम सेकंड है ना, इसको एक्टिवेट होने के लिए 680 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट चाहिए। ये अगर प्लांट को 680 नैनोमीटर वाला लाइट मिलता है ना, तो वाटर का स्प्लिटिंग हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? वाटर का स्प्लिटिंग हो जाता है। लेकिन अगर प्लांट को 700 नैनोमीटर लाइट मिलता है तो वाटर का स्प्लिटिंग नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है कि पीएस सेकेंड यानी फोटो सिस्टम सेकेंड इज एसोसिएटेड विद स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। फोटो सिस्टम सेकेंड इज एसोसिएटेड विद स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ये आपको याद रखना है क्योंकि हाई एनर्जी है उस पर वाटर का स्प्लिटिंग हो जाएगा। लेकिन पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट जो ऑपरेट होता है 700 नैनोमीटर ऑफ लाइट पे, जिसपे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होता है। ठीक है, अपने टारगेट क्या है, अपने को भी क्या समझना है? तो हमको समझना है कि ये फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट चल रहा है। लेकिन उसके पहले आप देखिए, जब फोटो सिस्टम सेकेंड ऑपरेट होगा तो इस बात का गारंटी है कि फोटो सिस्टम फर्स्ट भी साथ साथ ऑपरेट होगा। क्यों? क्योंकि फोटो सिस्टम सेकेंड वर्क करता है 680 नैनोमीटर ऑफ लाइट पे, जबकि फोटो सिस्टम फर्स्ट ऑपरेट होता है 700 नैनोमीटर ऑफ लाइट। है कि इसका एनर्जी ज्यादा है, इसका एनर्जी कम है, तो धीरे धीरे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है उसका एनर्जी जैसे ही 700 नैनोमीटर हो जाएगा, उसका वेवलेंथ जैसे ही 700 नैनोमीटर हो जाएगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। कौन? फोटो सिस्टम फर्स्ट। इसका मतलब जहां पे फोटो सिस्टम सेकेंड होगा और फोटो सिस्टम वहां पे फर्स्ट भी चलेगा। आपको पता है जब फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट एक साथ ऑपरेट होता है, एक बार फिर से, जब फोटो सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट एक साथ ऑपरेट होता है, तब इसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसमें फोटो सिस्टम सेकंड भी चलता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट भी चलता है।
ठीक है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन। क्या फोटोसिस्टम सेकेंड अकेला चल सकता है? नहीं, जब फोटोसिस्टम सेकेंड चलेगा तो गारंटी है कि फोटोसिस्टम फर्स्ट भी चलेगा, यानी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन हो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भाई नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन में पहले कौन सा पिगमेंट सिस्टम ऑपरेट होता है या फोटोसिस्टम ऑपरेट होता है, तो आंसर जाएगा फोटोसिस्टम सेकेंड ऑपरेट। कौन सा ऑपरेट होता है भाई? फोटोसिस्टम सेकेंड ऑपरेट होता है। चलिए अब बात आपके मन में आएगा फोटोसिस्टम सेकेंड पहले ऑपरेट हुआ तो इसको फोटोसिस्टम फर्स्ट क्यों नहीं बोले? इसलिए नहीं बोले क्योंकि ये बाद में डिस्कवर हुआ था, ठीक है, इसका डिस्कवरी पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के बाद हुआ था, इसलिए फोटोसिस्टम सेकेंड। ठीक है, तो पहले डिस्कवर किया गया था वैसा रिएक्शन सेंटर, वैसा फोटोसिस्टम जो एक्टिवेट होता था 700 नैनोमीटर पे, तो उसको रख दिया फोटोसिस्टम फर्स्ट और इसके बाद एक्टिवेट हुआ था, सॉरी उसके बाद डिस्कवर हुआ था वैसा सिस्टम जो 680 नैनोमीटर पे एक्टिवेट होता था, इसलिए इसका नाम रख दिया फोटोसिस्टम सेकेंड। तो पहले तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेंगे भाई कि फोटोसिस्टम सेकेंड पहले और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन में पहले कौन सा फोटोसिस्टम एक्टिवेट होता है, फोटोसिस्टम सेकेंड या फोटोसिस्टम फर्स्ट? आंसर क्या जाएगा? फोटोसिस्टम सेकेंड ऑपरेट होता है। ठीक है, क्या फोटोसिस्टम फर्स्ट अकेला चल सकता है, अकेला ऑपरेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, और जब फोटोसिस्टम फर्स्ट अकेला ऑपरेट होता है ना, यानी प्लांट को सिर्फ 700 नैनोमीटर ऑफ लाइट अगर रिसीव होता है तो सिर्फ फोटोसिस्टम फर्स्ट चलेगा, और फोटोसिस्टम फर्स्ट चलेगा तो फोटोसिस्टम सेकंड नहीं चल सकता है क्योंकि फोटोसिस्टम सेकंड को एक्टिवेट होने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए जो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो फोटोसिस्टम फर्स्ट अगर एक्टिवेट होगा सिर्फ तो सिर्फ यही चलेगा और इसको बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन। क्या बोलते हैं? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन। आप एक बात पे ध्यान दे रहे होंगे, हम बोल रहे हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन। फॉस्फोराइजेशन क्या है भाई? फॉस्फोराइजेशन क्या है आपको पता? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं लाइट इंटेंसिटी। क्या पढ़ रहे हैं? सॉरी, हम लोग पढ़ रहे हैं लाइट रिएक्शन। क्या पढ़ रहे हैं? लाइट रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन में काम क्या था? लाइट रिएक्शन का मेन पर्पस क्या था? एक तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर, सही है, और दूसरा क्या था? एनर्जी प्रोडक्शन। क्या था? एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन का मेनली दो पार्ट, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन। क्या पढ़ेंगे? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन। फॉस्फोराइजेशन का मतलब होता है एटीपी का बनना, एडीपी से। जब आप एडीपी में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड कर देंगे ना तो क्या बन जाता है? एटीपी बन जाता है। क्या बन जाता है? एटीपी बन जाता है। लाइट रिएक्शन का यही तो पर्पस था, एनर्जी को बनाना, एनर्जी का प्रोडक्शन करना और वाटर का फोटोलिसिस करना। हाँ भाई, तो लाइट रिएक्शन में मेनली हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन। फोटोफॉस्फोराइजेशन क्यों? फोटोफॉस्फोराइजेशन देखो भाई, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक क्यों अभी आएंगे थोड़ी देर में ना, वो है इलेक्ट्रॉन के चक्कर के बेसिस पे। अगर इलेक्ट्रॉन एक बार पूरा चक्कर लगाएगा तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन, और इलेक्ट्रॉन जहां से ओरिजिन हुआ वहां पे दोबारा नहीं आया तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन। ठीक है, फोटोफॉस्फोराइजेशन क्यों? फोटो का मतलब होता है लाइट और फॉस्फोराइजेशन का मतलब होता है फॉस्फोरिक बॉन्ड का बनना, मतलब एक हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड का बनना, जिसको बोलते हैं फॉस्फोराइजेशन। या एडीपी से एटीपी का बनना क्या कहलाता है? फॉस्फोराइजेशन। लाइट एनर्जी के कारण एक एटीपी का फॉर्मेशन हुआ तो बोलेंगे, या लाइट के प्रेजेंस के कारण एक एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइजेशन। क्या बोलते हैं? फोटोफॉस्फोराइजेशन। सर, एटीपी ही एनर्जी क्यों प्रोड्यूस करता है और एटीपी से एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होता है? आपको पता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक फॉस्फेट, दो फॉस्फेट, तीन फॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करता है? तो जब टर्मिनल फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड ब्रेक होता है, जब टर्मिनल फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड ब्रेक होता है, दुनिया में कोई भी बॉन्ड ब्रेक होता है ना, तो एनर्जी रिलीज होता है। क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। तो टर्मिनल फॉस्फेट फॉस्फेट बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो एनर्जी रिलीज होता है, और कितना एनर्जी रिलीज होता है? 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होता है। ऐसा एनसीईआरटी में 10th क्लास में लिखा हुआ है,
ठीक है भाई, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी रिलीज 7.3 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी, या जब आप इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 30.5 किलो जूल। तुम देखो ना, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे भी वो है ना कि सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी कितना एनर्जी रिलीज करेगा, तो आपका आंसर जाएगा 7.3 किलो कैलोरी या 30.5 किलो जूल। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि एक सिंगल एटीपी मॉलिक्यूल इतना सारा एनर्जी रिलीज कर रहा है, बहुत ज्यादा एनर्जी है, सिंगल एटीपी मॉलिक्यूल अगर 30.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज करेगा ना, तो आपका सेल क्या हो जाएगा, एक बॉम्ब बन जाएगा, है कि नहीं। कायदे से वहां पे उनको लिखना चाहिए था कि एक मोल, ऐसा मेरा मानना है, एक मोल एटीपी इतना एनर्जी रिलीज कर सकता है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, टेंथ के एनसीईआरटी में, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी रिलीज 7.3 किलो कैलोरी और 30.5 किलो जूल। लेकिन वो गलत होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर एक एटीपी इतना सारा एनर्जी प्रोड्यूस करता है और सिर्फ टर्मिनल फॉस्फेट फॉस्फेट बॉन्ड टूट के एनर्जी रिलीज करता है, तो इतना अगर एटीपी रिलीज सॉरी इतना एनर्जी अगर रिलीज होता है तो आपका सेल एक बॉम्ब के जैसा, ऐसा नहीं, एक मोल एटीपी इतना एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है, ये मानने लायक बात है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी रिलीज हाउ मच एनर्जी, आंसर जाएगा 7.3 किलो कैलोरी और 30.5 किलो जूल एनर्जी, ठीक है। टर्मिनल फॉस्फेट फॉस्फेट बॉन्ड टूटता है एटीपी से तो एनर्जी रिलीज होता है, वही टर्मिनल फॉस्फेट फॉस्फेट बॉन्ड को जब हम बनाते हैं तो क्या बोलते हैं, फोटो फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में बनाए तो फोटो फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। बाकी याद रखेंगे एटीपी से एटीपी का बनना क्या कहलाता है, फॉस्फोराइलेशन, क्या कहलाता है, फॉस्फोराइलेशन। और हम लोग फॉस्फोराइलेशन के लिए दो तरह का साइकिल पढ़ेंगे, एक होता है नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन और दूसरा होता है साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। हालांकि ये फॉस्फोराइजेशन हो कहां पे रहा है, हाँ ये हम लोग पढ़ रहे हैं लाइट रिएक्शन के अंदर, तो लाइट रिएक्शन कहां पर हो रहा है, थैलेकोइड मेम्ब्रेन पे हो रहा है, कहां पर हो रहा है, थैलेकोइड मेम्ब्रेन पे हो रहा है, तो फॉस्फोराइजेशन भी थैलेकोइड मेम्ब्रेन पे होगा, यानी नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहां पे चलेगा, इस थैलेकोइड मेम्ब्रेन पे चलेगा, कहां पे चलेगा, थैलेकोइड मेम्ब्रेन पे। तो थैलेकोइड मेम्ब्रेन को जूम करके देखो, तो जब थैलेकोइड मेम्ब्रेन को, क्लोरोप्लास्ट के थैलेकोइड मेम्ब्रेन को आप जूम करके देखिएगा ना, तो आपको ऐसा दिखाई देगा, थैलेकोइड मेम्ब्रेन कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये हो गया ल्यूमेन, ये जो मैं थोड़ा सा छोटा ही बना रहा, और ये जो है ना, ये ऐसा मत समझना कि डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन नहीं, ये मेम्ब्रेन को मैंने ज्यादा ही जूम कर दिया, बड़ा कर दिया, तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये क्या है, थैलेकोइड मेम्ब्रेन, थैलेकोइड मेम्ब्रेन, ऐसे ही आप स्ट्रोमल मेम्ब्रेन को भी जूम करके देख सकते हैं, ये थैलेकोइड मेम्ब्रेन है, चलिए। तो ये है थैलेकोइड मेम्ब्रेन, जब इस मेम्ब्रेन को कट करके देखेंगे, थोड़ा सा जूम करके, जब बहुत ज्यादा जूम करके देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, मैग्निफाई मैग्निफाई करके देखते हैं या जूम करके देखते हैं, तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। ये हो गया थैलेकोइड मेम्ब्रेन, और ये वाला क्या हो गया, ये क्या हो गया, थैलेकोइड का ल्यूमेन, क्या हो गया, थैलेकोइड का ल्यूमेन, ठीक है। तो इसी मेम्ब्रेन पे चलता है, इसी मेम्ब्रेन पे चलता है क्या, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्या चलता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। मन में बात आता है कि सर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में चलता है, फिर से फोटोसिस्टम सेकंड और फोटोसिस्टम फर्स्ट, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जब चलेगा ऑपरेट होगा तो सबसे पहले क्या चलेगा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा तो सबसे पहले क्या एक्टिवेट होगा, फोटोसिस्टम सेकंड या फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटोसिस्टम सेकंड एक्टिवेट होगा, क्या होगा, फोटोसिस्टम सेकंड एक्टिवेट होगा। आपको पता है फोटोसिस्टम सेकंड इस थैलेकोइड मेम्ब्रेन पे
फोटोसिस्टम सेकेंड इस थैलेकोइड मेम्ब्रेन पे कहां पे एक्टिवेट होता है, तो ये एक्टिवेट होता है यहां पे, कहां पे एक्टिवेट होता है फोटोसिस्टम सेकेंड, यहां पे एक्टिवेट होता है ये फोटोसिस्टम सेकेंड, फोटोसिस्टम सेकेंड एक्टिवेट होता है कहां पे, ल्यूमेन साइट या स्ट्रोमा साइट। आपको पता है ये थैलेकोइड मेम्ब्रेन और ये चारों तरफ क्या है, ये चारों तरफ है स्ट्रोमा, क्या है स्ट्रोमा, यहां पे क्या है ल्यूमेन। फोटोसिस्टम सेकेंड एक्टिवेट कहां हुआ, स्ट्रोमल फेस की तरफ या ल्यूमिनल फेस की तरफ, ल्यूमेन की तरफ, ल्यूमेन की तरफ। तो फोटोसिस्टम सेकेंड चलता है ल्यूमेन की तरफ, और जबकि फोटोसिस्टम फर्स्ट चलता है, फोटोसिस्टम फर्स्ट चलता है कहां पे, स्ट्रोमल फेस की तरफ। इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं ताकि आपको समझ में आए, थोड़ा साफ ही है। चलिए तो फोटोसिस्टम फर्स्ट चलता है स्ट्रोमल फेस की तरफ, तो इधर थोड़ा सा चलता है फोटोसिस्टम फर्स्ट, यहां पे चलता है फोटोसिस्टम फर्स्ट, और स्ट्रोमल फेस की तरफ, स्ट्रोमल फेस की तरफ चलता है फोटोसिस्टम फर्स्ट, और ल्यूमिनल फेस की तरफ चलता है फोटोसिस्टम सेकेंड। क्या चलता है, फोटोसिस्टम सेकेंड। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन चल क्यों रहा है, एटीपी बनाएंगे, पहला चीज तो क्या होगा भाई, एटीपी बनाएंगे, दूसरा एटीपी के साथ यहाँ पे एनएडीपीएच भी बनता है, क्या बनता है एटीपी के साथ एनएडीपीएच भी बनता है। आपको पता है ये है मेम्ब्रेन, क्या है ये थैलेकोइड मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन के लिए हम लोग स्ट्रक्चर पढ़े थे, क्या मेम्ब्रेन के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए एक स्ट्रक्चर पढ़े थे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, क्या पढ़े थे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई फ्लूइड मोज़ेक मॉडल लिपिड बायलेयर से बना होता है, और उसमें मोज़ेक पैटर्न पे अरेंज होता है प्रोटीन, मोज़ेक पैटर्न पे अरेंज होता है प्रोटीन, ये प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो देखते हैं ना इसके अंदर फियोफाइटिन मिल जाएगा, प्लास्टोक्यूनिन मिल जाएगा, साइटोक्रोम बी साइटोक्रोम एफ मिल जाएगा, ये सब क्या है, प्लास्टोक्यूनॉन क्या है, प्लास्टोसाइनिन क्या है, तो ये सब है कैरियर प्रोटीन, क्या है कैरियर प्रोटीन। ये जो थैलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर फियोफाइटिन प्लास्टोक्यूनिन साइटोक्यूनिन साइटोक्रोम बी साइटोक्रोम ये सब क्या है, ये सब है कैरियर प्रोटीन, क्या है कैरियर प्रोटीन, याद है कैरियर प्रोटीन। चलिए तो पहले नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन क्या पढ़ेंगे हम लोग, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन, अभी क्या पढ़ रहे हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन, क्या पढ़ रहे हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन, और हम लोग देख चुके हैं कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन में पहले एक्टिवेट होगा फोटोसिस्टम सेकेंड, और उसके बाद एक्टिवेट होगा फोटोसिस्टम। चलिए तो फोटोसिस्टम सेकेंड होगा क्या ना, यहाँ पे फोटोसिस्टम सेकेंड एक्टिवेट करें तो यहाँ पे लाइट एनर्जी लाएंगे, लाइट एनर्जी लाए कितना, फोटोसिस्टम सेकेंड को एक्टिवेट करने के लिए कितना लाइट एनर्जी चाहिए, फोटोसिस्टम सेकेंड को एक्टिवेट करने के लिए 680 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ वाला एनर्जी चाहिए। जैसे ही ये एनर्जी जाएगा ना तो इस ल्यूमेन के अंदर वाटर, क्या है वाटर, इस वाटर का फोटोलिसिस हो जाएगा, और जब वाटर का फोटोलिसिस हो जाएगा तो ये वाटर कन्वर्ट हो जाएगा एक प्रोटोन में, यानी दो मॉलिक्यूल नहीं फोर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लेता हूं, फोर एच टू एल होगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फोर प्रोटोन में प्लस फोर सॉरी एट प्रोटोन में और एट इलेक्ट्रॉन में और प्लस O2 रिलीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई O2 रिलीज हो जाएगा, कितना मॉलिक्यूल O2 दो मॉलिक्यूल ऑफ O2 रिलीज हो गया, ये O2 बाहर चला जाएगा एटमॉस्फेयर में। हम लोग को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके बताया था रूबेन हसीद और कामेन ने, कामेन ने कि भाई जो वाटर रिलीज जो ऑक्सीजन रिलीज होता है ना फोटोसिंथेसिस में वो वाटर के फोटोलिसिस से ही होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ये रिलीज हो गया। चलिए सही है, ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ ना ये इलेक्ट्रॉन पिगमेंट सिस्टम सेकंड के पास जाएगा, और पिगमेंट सिस्टम सेकंड के लिए पीक वैल्यू ऑफ लाइट कितना होना चाहिए 680 नैनोमीटर होना चाहिए, कितना होना चाहिए 680 नैनोमीटर होना चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन को तुरंत ट्रांसफर कर देता है किसके पास, जैसे ही पिगमेंट सिस्टम सेकंड को या हाँ पिगमेंट सिस्टम सेकंड या रिएक्शन सेंटर को लाइट एनर्जी मिलता है 680 नैनोमीटर, तो ये जो है ना वो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को ये ट्रांसफर कर देता है किसके पास, इलेक्ट्रॉन को ये ट्रांसफर कर दिया
फोटोसिस्टम सेकेंड का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? फियोफाइटिन। कौन है भाई? फियोफाइटिन। तो फियोफाइटिन के पास इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया जाए। आपको पता है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन सॉरी हाइड्रोजन को यहाँ पे थोड़ा सा लिंक से हट के आप समझ जाइए कि H प्लस को हम लोग प्रोटोन भी बोल सकते हैं। H प्लस को क्या बोल सकते हैं? प्रोटोन भी बोल सकते हैं। क्यों क्यों बोलेंगे प्रोटोन? इसलिए बोलेंगे होते हैं एटॉमिक नंबर और एटम क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन से बने होते हैं या इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन न्यूट्रॉन से बने होते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। इसका मतलब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटोन, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटोन है। तो जब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटोन है तो इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बोलेंगे। क्या चार्ज होगा इस पे? कोई चार्ज नहीं होगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटोन मिलकर इसका चार्ज क्या कर देता है? न्यूट्रल कर देता है। जैसे ही आप हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो बच के जाएगा प्रोटॉन, बच जाएगा। क्या बच जाएगा इसके पास? प्रोटॉन बच जाएगा। इसलिए H प्लस हमको दिख जाता है, यानी प्रोटॉन दिख जाता है। तो हम लोग H प्लस को क्या बोल सकते हैं? प्रोटॉन बोल सकते हैं। चलिए, तो फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और इलेक्ट्रॉन को किसको ट्रांसफर कर देता है? फियोफाइटिन। तो ये फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, बोलो ना भाई, किसको ट्रांसफर कर देता है? प्लास्टो क्यूनॉन के पास ट्रांसफर कर देता है। किसको ट्रांसफर कर देता है? प्लास्टो क्यूनॉन को ट्रांसफर कर देता है। ये प्लास्टो क्यूनॉन इलेक्ट्रॉन को लेता है और स्ट्रोमा से, किसके स्ट्रोमा से तुरंत किसको ले लिया? प्रोटॉन को ले लिया। किसको ले लिया भाई? प्रोटॉन को ले लिया और इधर से इलेक्ट्रॉन को ले लिया। इसका मतलब अब प्लास्टो क्यूनॉन के पास क्या है? अब प्लास्टो क्यूनॉन के पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। क्या है? एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। थोड़ा सा फोटो सिस्टम फर्स्ट बना लीजिए। प्लास्टो क्यूनॉन के पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। इसका मतलब इसके पास क्या है? प्लास्टो क्यूनॉन के पास हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। देखो ना, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, तो प्लास्टो क्यूनॉन के पास क्या है? हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन, प्लास्टो क्यूनॉन हाइड्रोजन को लेके जाता है किसके पास? यहाँ पे एक इंटीग्रल प्रोटीन होता है, इंटीग्रल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, जिसमें दो तरह के साइटोक्रोम पाए जाते हैं। एक होता है साइटोक्रोम बी और दूसरा होता है साइटोक्रोम ए। क्या होता है? साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम एफ। प्लास्टो क्यूनॉन के पास क्या है? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन को लेके चल सकता है ना, ये इंटीग्रल प्रोटीन है लेकिन मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर है। प्लास्टो क्यूनॉन क्या है? मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर है। ठीक है, इस पर प्लास्टो क्यूनॉन क्या है कहीं लिख लो भाई, है ना, मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर। जब भी आप पढ़ने बैठे तो आप अपने पास एक कॉपी पेन लिखिए, क्योंकि बहुत सारा चीज ऐसा होता है जिसको मैं लिखवाता नहीं हूं या बोर्ड पे लिखता नहीं हूं, बस बोल देता हूं। ठीक है, प्लास्टो क्यूनॉन क्या है? प्लास्टो क्यूनॉन क्या है? मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर। क्योंकि इधर से प्रोटोन, इधर से इलेक्ट्रॉन को लिया एस्ट्रोमा से। कहां से? एस्ट्रोमा से लेता है H प्लस को और फियोफाइटिन से लेता है इलेक्ट्रॉन को। तो प्लास्टो क्यूनॉन के पास क्या हो गया? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन को लेके मूव कर सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्लास्टो क्यूनॉन को मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर। क्या बोलते हैं? मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर। ये देखिए, हाइड्रोजन देता है किसको? साइटोक्रोम एफ को। किसको देता है? साइटोक्रोम एफ को। साइटोक्रोम एफ क्या करता है? प्रोटॉन को तो अपने पास रख लेता है, प्रोटॉन को अपने पास रख लेता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है किसको? प्लास्टोसाइनिन को। किसको ट्रांसफर कर देता है? प्लास्टोसाइनिन को। इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर देता है? प्लास्टोसाइनिन को। साइटोक्रोम एफ क्या करता है? इस प्रोटॉन को पंप कर देता है किसके अंदर? ल्यूमेन के अंदर। किसके अंदर कर देता है? ल्यूमेन के अंदर पंप कर दिया, ल्यूमेन के अंदर चला गया ये प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन को। प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन को लेके पहुंच जाता है किसके पास? फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास। किसके पास पहुंचता है? फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास। और आपको पता है फोटोसिस्टम फर्स्ट एक्टिवेट होता है पीक वैल्यू ऑफ लाइट 700 नैनोमीटर, किसमें? 700 नैनोमीटर पे, है ना। ये इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी था 680 नैनोमीटर, लेकिन देखो तो मूव किया थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी का लॉस हुआ और ये कहां पहुंच गया? पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, जिसका एनर्जी कितना है, जिसका वेवलेंथ ऑफ लाइट कितना है? 700 नैनोमीटर। अब फोटोसिस्टम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर देगा? फोटोसिस्टम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा आयरन सल्फर प्रोटीन को। किसको ट्रांसफर कर देगा? आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, जिसे को बोलते हैं फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस ये इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन किसको? ये सब कैरियर प्रोटीन है, लेकिन ये मोबाइल नहीं है। प्लास्टोसाइनिन मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। प्लास्टोसाइनिन जाता है किसके पास? साइटोक्रोम एफ के पास, और इलेक्ट्रॉन लेके आता है और पहुंचा देता है फोटोसिस्टम फर्स्ट को।
मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर है, प्लास्टोसाइनिन मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इलेक्ट्रॉन को लेकर मूव करता है, फोटोसिस्टम फर्स्ट तक पहुंचा देता है और फोटोसिस्टम फर्स्ट फिर इलेक्ट्रॉन को भेज देता है आयरन सल्फर प्रोटीन। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फोटोसिस्टम फर्स्ट का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, तो आयरन सल्फर प्रोटीन या फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है किसके पास, फेरोडॉक्सिन के पास। किसको ट्रांसफर कर देता है, फेरोडॉक्सिन के पास, एफडी के पास। और ये ना ग्रैनुलर मेम्ब्रेन जो होता है थैलेकोइड मेम्ब्रेन, इस थैलेकोइड मेम्ब्रेन के पास होता है एनएडीपी रिडक्टेज। क्या होता है, एनएडीपी रिडक्टेज। ये क्या है, एनएडीपी रिडक्टेज, एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम है ये। एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम कहां पे प्रेजेंट होता है, तो थैलेकोइड मेम्ब्रेन के पास होता है, स्ट्रोमा लैमेला के पास एनएडीपी रिडक्टेज नहीं होता है। ठीक है, तो ये फेरोडॉक्सिन फिर से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है किसको, एनएडीपी रिडक्टेज को। किसको ट्रांसफर कर देता है, एनएडीपी रिडक्टेज को। तो देखो इधर से क्या इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एनएडीपी प्लस, स्ट्रोमा में पहले से प्रेजेंट होता है एनएडीपी प्लस, ये इलेक्ट्रॉन गया और स्ट्रोमा में पहले से ही प्रोटॉन बहुत सारा है, यानी एच प्लस बहुत सारा है, तो इधर से गया प्रोटॉन और इधर से गया इलेक्ट्रॉन, यानी अल्टीमेटली क्या मिल गया इसके पास, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन से रिड्यूस हो जाएगा और ये बन जाएगा NADPH, क्या बन जाएगा, NADPH बन जाएगा। ठीक है, तो फोटोसिस्टम सेकेंड या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में बनता है NADPH और अंदर बहुत सारा प्रोटॉन का, देखो जैसे ब्लास्ट ऑफ क्यूनॉन हाइड्रोजन को कैरी करेगा और अंदर साइटोक्रोम एफ पंप कर देगा किसको, प्रोटॉन को, और फिर ये इलेक्ट्रॉन को इधर लेके चला जाएगा। ठीक है, यानी अंदर ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन ल्यूमेन के अंदर बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है, एक तो भाई प्लास्टो क्यूनॉन भी हाइड्रोजन को, सॉरी प्रोटॉन को पंप करवाने में हेल्प कर रहा है, दूसरा वाटर का फोटोलिसिस भी ल्यूमेन में हो रहा है। ठीक है, जिसके कारण ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अभी तक एटीपी नहीं बना भाई, अभी तक क्या बन चुका है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। सबसे पहले देखिए, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में 680 नैनोमीटर का लाइट चाहिए तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो जाएगा। हम आपको पहले बता चुके हैं कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर फोटोसिस्टम सेकंड से एसोसिएटेड होता है, फोटोसिस्टम सेकंड से रिलेटेड होता है। जहां पर फोटोसिस्टम सेकंड होगा वहां पे वाटर का फोटोलिसिस होगा, वाटर का फोटोलिसिस होगा, ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो जाता है, प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रॉन को फोटोसिस्टम सेकंड या रिएक्शन सेंटर जिसका पीक वैल्यू 680 नैनोमीटर है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है फियोफाइटिन के पास, फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन को दे देता है प्लास्टो क्यूनॉन के पास, और ये प्लास्टो क्यूनॉन इधर से लेता है इलेक्ट्रॉन और इधर से लेता है प्रोटॉन, अल्टीमेटली प्लास्टो क्यूनॉन के पास क्या जाता है, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन को मूव लेके चलता है, यानी मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर है, लेके चलता है, भेजता है साइटोक्रोम एफ के पास, साइटोक्रोम एफ के पास इंतजार करता रहता है प्लास्टोसाइनिन, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है प्लास्टोसाइनिन और साइटोक्रोम एफ प्रोटॉन को क्या करता है, पंप कर देता है ल्यूमेन में। साइटोक्रोम एफ प्रोटॉन को पंप कर देता है ल्यूमेन में, साइटोक्रोम सी लेके चला जाता है इलेक्ट्रॉन को कहां पे, फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास, कहां पे लेके चला जाता है, फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास। फोटोसिस्टम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है किसके पास, आयरन सल्फर प्रोटीन के पास, आयरन सल्फर प्रोटीन से प्रोटॉन को भेजा जाता है फेरोडॉक्सिन के पास और फेरोडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन को भेज देता है एनएडीपी रिडक्टेज के पास। एनएडीपी रिडक्टेज एनएडीपी के रिडक्शन में इन्वॉल्व होने वाला एक एंजाइम है एनएडीपी रिडक्टेज, जो इलेक्ट्रॉन के जाने पे एक्टिवेट हो गया, बाहर से इसको मिल जाता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्टीमेटली मिलकर बना देता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से रिड्यूस हो जाता है एनएडीपी प्लस। एनएडीपी प्लस स्ट्रोमा में पहले से ही प्रेजेंट होता है, जिसके रिडक्शन से बन जाता है एनएडीपीएच, क्या बन जाता है, एनएडीपीएच। अभी तक एडीपी नहीं बना है, लेकिन आपको पता है हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन ल्यूमेन के अंदर बढ़ रहा है, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन ल्यूमेन के अंदर बढ़ रहा है, इसका तीन कारण है। पहला कारण है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, दूसरा कारण है प्लास्टो क्यूनॉन का प्रोटोन को, प्रोटोन प्लास्टो क्यूनॉन प्रोटोन को पंप कर रहा है, प्लास्टो क्यूनॉन प्रोटोन को पंप करने में हेल्प कर रहा है ल्यूमेन के अंदर, और तीसरा कारण है देखो ना तुम भाई, सिंपल सा मतलब है, ये वाला लाइन छोटा है कि बड़ा है, पता नहीं, लेकिन ये वाला लाइन क्या है, बड़ा है, इसका मतलब ये रिलेटिव टर्म है, ये वाला छोटा लाइन है और ये वाला बड़ा लाइन है। अब ये वाला क्या हो जाएगा, इससे भी छोटा हो गया, उसके रिस्पेक्ट में ये बड़ा हो गया। ठीक है, मैं ये सब बात क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं ना
ताकि आप समझिए कि यहाँ पे बस प्रोटॉन को पंप किया जा रहा है, ह्यूमन के अंदर प्रोटॉन के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया जा रहा है। दो स्थिति आपको साफ साफ दिख रहा है, एक तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर और दूसरा प्लास्टोक्यूरॉन पंप करवा रहा है प्रोटॉन को किसके अंदर, ह्यूमन के अंदर। लेकिन तुम देखो ना यहाँ पे प्रोटॉन खर्च भी तो हो रहा है, स्ट्रोमा में प्रोटॉन क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है। स्ट्रोमा में प्रोटॉन खर्च हो रहा है, किसमें खर्च हो रहा है, तो प्रोटॉन का खर्च हो रहा है, एनएडीपी को रिड्यूस करने में प्रोटॉन खर्च हो रहा है। यानी अल्टीमेटली यहाँ पे प्रोटॉन खत्म हो रहा है, तो मानेंगे कि यहाँ पे प्रोटॉन बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए तो ये मेरा बन गया एनएडीपी डिडक्टेज। और आपको पता है ये मेम्ब्रेन के पास एटीपी एटीपीएज एंजाइम होता है, और ये एटीपीएज एंजाइम बना होता है एफ नॉट एफ वन पार्टिकल से। किससे बना होता है, F0, F1 पार्टिकल से। तो यहाँ पे देखिए मैं बनाने में कोशिश कर रहा हूँ, F0, F1 पार्टिकल, NADPH एंजाइम भी इसको बोलते हैं, F1, F1 पार्टिकल को, ये हो गया। इसको बोलते हैं F0 जो मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है, और इसको बोलते हैं F1 पार्टिकल जो मेम्ब्रेन में एम्बेडेड नहीं होता। ये क्या करता है, तीन प्रोटॉन को पंप करता है। कितने प्रोटॉन को पंप करेगा, तीन प्रोटॉन को पंप करेगा ल्यूमेन से स्ट्रोमा में। तीन प्रोटॉन को जब पंप करेगा तो एटीपी एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है और फिर से स्ट्रोमा में बन जाता है ए बी बी से एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ दिया जाता है और बना दिया जाता है ए टी पी। क्या बना दिया जाता है, ए टी पी बना दिया जाता है। ऐसा समझ में, क्या बना देते हैं भाई, ए टी पी बना देते हैं, ठीक है। तो हम देखिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन में दोनों चीज बना लिए, एक तो एटीपी भी बना लिए और दूसरा क्या बना लिए, एक एटीपी भी बना लिए और दूसरा एनएडीपीएच भी बना लिए, ठीक है। एटीपी क्यों बना, कैसे बना, एनसीईआरटी बोलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ना, तो एटीपी बनता है, ठीक है। छोटा सा डब्बा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और वहां पे ऐसे करके बना दिया है उन्होंने एटीपी। आपको दिखा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इस मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट के कारण प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, और प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन, प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ रहा है उसके कारण क्या हो रहा है, प्रोटॉन को बाहर की तरफ पंप किया जा रहा है और एक एटीपी बनता है। अल्टीमेटली एटीपी का जो फॉर्मेशन हुआ ना वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्टेशन के कारण हुआ। क्यों, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं करता तो प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन ल्यूमेन में नहीं बढ़ता या प्रोटॉन नहीं रहता ल्यूमेन में, है कि नहीं। तो प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से और प्रोटॉन को बाहर की तरफ पंप करते हैं ल्यूमेन से स्ट्रोमा, तो एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हम लोग एटीपी का भी फॉर्मेशन कर लिए स्ट्रोमा में और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन कर लिए स्ट्रोमा में। अब इस एटीपी और एनएडीपीएच यानी केमिकल एनर्जी हमको मिल गया और इसका यूज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में, जिसको बोलते हैं केल्विन साइकिल। क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन, ठीक है। लेकिन कैसे, अभी हम लोग सिर्फ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन देखें, और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन में आप देखिए इलेक्ट्रॉन जहां से स्टार्ट हुआ था, इलेक्ट्रॉन जहां से ओरिजिन हुआ था, अल्टीमेटली फिर वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचता है, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे जाके यूटिलाइज हो जाता है एनएडीपी को रिड्यूस करने में, एनएडीपी प्लस को रिड्यूस करने में। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन। क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन। और आप देखिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पहले ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है। तो लोग बोलते हैं भाई ये जेट स्किम का हो गया ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं जेट स्किम। क्या बोलते हैं, जेट स्किम। पता नहीं ये सही हो सकता है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं पढ़ा कि जेट शेप के कारण इसको जेट स्किम बोलते हैं, पढ़ सकते हैं कहीं कहीं लिखा भी हुआ है, सॉरी कहीं कहीं लिखा भी है जेट शेप के कारण इसको क्या बोलते हैं, जेट स्किम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन को। अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है ना, इलेक्ट्रॉन का पाथ, ये इलेक्ट्रॉन का पाथ जिग जैग पैटर्न बनाता है। क्या बनाता है, जिग जैग पैटर्न बनाता है, इसलिए इसको क्या बोलना चाहिए, जेट स्किम बोलना चाहिए, ना कि जेट शेप, ठीक है। लेकिन अगर लिखा है तो आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन अगर करेंगे तो अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करेंगे तब क्वेश्चन करेंगे। जेड स्किम ड्यू टू जिग जैग पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये हुआ मेरा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन। क्या पढ़ेंगे, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन कहां पे चलेगा, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन कहां पे चलता है, थैलेकोइड मेम्ब्रेन में ही चलता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन में, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन में सिर्फ फोटोसिस्टम फर्स्ट एक्टिवेट होता है। कौन एक्टिवेट होता है, फोटोसिस्टम फर्स्ट एक्टिवेट होता है,
या वैसा रिएक्शन सेंटर एक्टिवेट होता है जिसका पीक वैल्यू ऑफ लाइट कितना हो, 700 नैनोमीटर हो, कितना हो, 700 नैनोमीटर हो, सिर्फ वही एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो हम लोग नॉन साइक्लिक देख लिए, अब हम लोग क्या देखेंगे, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में भी ये मेरा बन गया थैलेकोइड मेम्ब्रेन, क्या बन गया, थैलेकोइड मेम्ब्रेन, ये मेरा बन गया ल्यूमेन। ठीक है, और ये आपको समझदार हो ना, ये सब क्या है, ये मेम्ब्रेन। ठीक है, तो मैं हल्का सा बड़ा ले लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो, ये सब है मेम्ब्रेन भाई। देखो तो ये हो गया मेम्ब्रेन, और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में यहाँ पे चलता है कहाँ पे चलता है, एस्ट्रोबल साइड चलता है, सॉरी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या फोटोलिसिस फर्स्ट कहाँ पे चलता है, स्ट्रोमल फेज की तरफ चलता है या ल्यूमिनल फेज की तरफ चलता है, और किधर चलता है, स्ट्रोमल फेज की तरफ या ल्यूमिनल फेज की तरफ, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन किधर चलता है, स्ट्रोमल फेज या ल्यूमिनल फेज, तो ये चलता है, बोलो ना, स्ट्रोमल फेज की तरफ, किधर चलता है, स्ट्रोमल फेज की तरफ, तो स्ट्रोमल फेज की तरफ चलेगा, यहां पे फोटो सिस्टम फर्स्ट मान लेते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट यहां पे चलता है, वाटर का फोटोलिसिस नहीं होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट में वाटर का फोटोलिसिस नहीं होता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट को चलने के लिए वेवलेंथ ऑफ लाइट कितना होना चाहिए, वेवलेंथ ऑफ लाइट कितना होना चाहिए, 700 नैनोमीटर, कितना होना चाहिए भाई, 700 नैनोमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो जब 700 नैनोमीटर ऑफ लाइट जाता है ना फोटो सिस्टम फर्स्ट पे, कितना, 700 नैनोमीटर वाला लाइट जाता है फोटो सिस्टम फर्स्ट पे, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से प्रेजेंट होता है या इलेक्ट्रॉन स्ट्रोमा में होता है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्टिवेट करके भेज दिया जाता है किसके पास, आयरन सल्फर प्रोटीन के पास, या भेज दिया जाता है फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस के पास। ये फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को किसको भेज देगा, क्या है, किसको भेजता था, इलेक्ट्रॉन को भेजता था फेरेडॉक्सिन को, किसको भेजता था फेरेडॉक्सिन को, फेरेडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन को किसको भेज देता है, तो फेरेडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन को भेज देता था एनएडीपी रिडक्टेज के पास, किसके पास भेजता था, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फेरेडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन को किसके पास भेजता था, फेरेडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन को किसके पास भेजता था, एनएडीपी रिडक्टेज के पास भेजता था, किसके पास, एनएडीपी रिडक्टेज के पास भेजता था। ठीक है, लेकिन यहां पर किसके पास भेज दिया जाएगा, यहाँ पे एनएडीपी रिडक्टेज नहीं होता है। ठीक है, यानी जहां पे फोटो सिस्टम फर्स्ट सिर्फ एक्टिवेट होता है, जहां पे सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट चलता है, यानी एस्ट्रोमल फेज की तरफ, किधर, एस्ट्रोमल फेज की तरफ, तो वहां पे अगर एनएडीपी रिडक्टेज नहीं होगा ना, तो एनएडीपी रिडक्टेज नहीं होगा तो इसको भेज दिया जाएगा किसके पास, प्लास्टोक्यूनॉन के पास, किसके पास, प्लास्टोक्यूनॉन के पास। और आपको याद है कि प्लास्टोक्यूनॉन फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन लेता है या किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इधर से प्रोटॉन भी लेता है, तो अल्टीमेटली प्लास्टोक्यूनॉन के पास क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, यानी इसके पास हो गया हाइड्रोजन, क्या हो गया, हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन किसको देता था, याद है, यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन होता था साइटोक्रोम बी, और यहाँ पे होता था साइटोक्रोम एफ, साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम एफ, ये प्लास्टोक्यूनॉन इलेक्ट्रॉन देता था किसको, साइटोक्रोम एफ को, हाइड्रोजन देता था साइटोक्रोम एफ को, और यहाँ पे इंतजार कर रहा था कौन, प्लास्टोसाइनिन, कौन इंतजार कर रहा था, प्लास्टोसाइनिन, तो प्लास्टोसाइनिन, ये तो हाइड्रोजन देता है, प्लास्टोसाइनिन आता है साइटोक्रोम एफ के पास और इलेक्ट्रॉन को उड़ा के लेके चला गया, साइटोक्रोम एफ के पास क्या बच गया, प्रोटॉन बच गया, क्या बच गया, प्रोटॉन बच गया, तो ये प्रोटॉन को पंप कर देता है कहां है, प्रोटॉन को पंप कर देता है कहां है, ल्यूमेन में, थैलेकोइड के ल्यूमेन में ये प्रोटॉन को पंप कर दिया, प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, तो प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन को फिर से किसके पास दे देगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जहां से शुरू हुआ था अल्टीमेटली फिर इलेक्ट्रॉन वहीं पे आ गया, तो इसको बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एनएडीपी रिडक्टेज नहीं था, और एनएडीपी रिडक्टेज नहीं था तो एनएडीपीएच का फॉर्मेशन नहीं होगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एनएडीपीएच का फॉर्मेशन नहीं हुआ, वाटर का फोटोलाइसिस नहीं हुआ, एटीपी का फॉर्मेशन होगा, हाँ भाई एटीपी का फॉर्मेशन होगा, बिल्कुल एटीपी का फॉर्मेशन होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन ल्यूमेन में बढ़ता गया, ल्यूमेन में प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता गया, प्रोटॉन को बाहर की तरफ पंप किया जाएगा, प्रोटॉन को बाहर की तरफ पंप किया जाएगा, यानी किसके तरफ पंप किया जाएगा,
स्ट्रोमा की तरफ पंप करेंगे, प्रोटॉन को किधर पंप करेंगे, स्ट्रोमा की तरफ पंप करेंगे, और तीन प्रोटॉन जाएगा ना तो एक एटीपी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक एटीपी बन जाएगा। किससे? ए डी बी से एक एटीपी बन जाएगा यूरेनियम फॉस्फेट से। चलिए तो ऐसा ओवरव्यू करते हैं। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में दोनों चलता है, फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट चलता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के फोटो सिस्टम सेकेंड में वाटर का फोटोलिसिस होता है, जबकि फोटो सिस्टम फर्स्ट या साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में वाटर का फोटोलाइसिस नहीं होता है। नेक्स्ट, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एटीपी और एनएडीपीएच दोनों का फॉर्मेशन होता है, जबकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ एटीपी का फॉर्मेशन होता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एनएडीपीएच नहीं बना, क्यों? क्योंकि स्ट्रोमल फेज की तरफ, अगर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलता है स्ट्रोमल फेज की तरफ, एनएडीपीएच सॉरी एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम एब्सेंट होता है। ठीक है, हालांकि मेनली ना फोटोसिस्टम फर्स्ट, सिर्फ फोटोसिस्टम फर्स्ट कहां पे चलता है? सिर्फ फोटोसिस्टम फर्स्ट कहां पे चलता है? सिर्फ फोटोसिस्टम फर्स्ट। फोटोसिस्टम सेकंड तो थैलोकोइड के मेम्ब्रेन में चलेगा, है कि नहीं? सिर्फ फोटोसिस्टम फर्स्ट कहां पे चलेगा? अगर देखा जाए मेनली तो ये चलता है स्ट्रोमा लैमेली में। कहां पे चलता है? स्ट्रोमा लैमेली में, ये वाला है ना स्ट्रोमा लैमेली। इस स्ट्रोमा लैमेली में सिर्फ चलता है फोटोसिस्टम फर्स्ट, और वैसा फेज जो स्ट्रोमा की तरफ फेज की रहता है ना उसके पास नहीं होता है क्या? एनएडीपीएच रिडक्टेज इंजाइम। ठीक है, तो सर यहां पे नहीं चल सकता क्या फोटोसिस्टम फर्स्ट? बिल्कुल चल सकता है वहां पे। ठीक है, आप इमेजिनेशन कीजिए, ये मेरा एक थैलेकोइड, ये मेरा दूसरा थैलेकोइड, ये मेरा तीसरा थैलेकोइड, ये चौथा थैलेकोइड, ये पांचवा थैलेकोइड, ये छठा थैलेकोइड, इस तरह से थैलेकोइड है। एक थैलेकोइड अप्रेस्ड है, यानी अप्रेस्ड है। ठीक है, अप्रेस्ड होने इस थैलेकोइड के नीचे भी एक थैलेकोइड, इस थैलेकोइड के ऊपर भी एक थैलेकोइड, लेकिन ये वाला थैलेकोइड का ये वाला जो फेस है ना ये अनअप्रेस्ड है। अनअप्रेस्ड थैलेकोइड मेम्ब्रेन पे चलेगा फोटोसिस्टम फर्स्ट, और वहां पे एनएडीपी रिडक्टेज इंजाइम नहीं होगा। ठीक है, तो है आप बस ध्यान में रखेंगे कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ओनली एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एनएडीपी यहां पे नहीं बनता है, वाटर का फोटोलिसिस यहां पे नहीं होता है, जबकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में वाटर का फोटोलिसिस होता है फोटोसिस्टम सेकेंड में, और एटीपी भी बनता है और एनएडीपीएच भी बनता है। तुम देखो ना कि हम लोग बहुत सारा एटीपी और एनएडीपीएच बना लिए, कहां पे? स्ट्रोमा में या ल्यूमेन में? स्ट्रोमा में। कहां पे बना लिए? स्ट्रोमा में। अब इस बने हुए एटीपी और एनएडीपीएच का यूज करेंगे स्ट्रोमा में ही, और हम लोग बनाएंगे कैलिन साइकिल या डार्क रिएक्शन। और कैलिन साइकिल या डार्क रिएक्शन में हमको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करना है, और बनाना क्या है? ग्लूकोज। क्या बनाना है? ग्लूकोज। चलिए तो आज के लिए इतना है, अगर कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।